आज भी सच्ची बात करते हैं, सच्ची बातों में से एक बात ये भी, आरजे महवेश के बारे में बात करते हैं, बताता हूँ तफसील से बताता। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डियर बॉयज, तो इसकी हर वीडियो में डियर बॉयज डियर बॉयज डियर बॉयज। अब कुछ अब लड़कियों से भी कह ले भाई, तू लड़की है तू क्यों नहीं मानती तू लड़की है, डियर बॉयज। इसके लिए अच्छे दिखना है, सुंदर सुंदर बंदियों के लिए ना, तो ये हर चार दिन पे मुंह छिलवा के उबले हुए अंडे की तरह बन के आना जरूरी है। अच्छे दिखो ना, प्यारे लगो ना, इम्प्रेस अस। हल्का फुल्का ट्रिम कराया करो, अच्छे लगते हो बियर्ड के साथ, मिल जाएंगे हम। तो पता नहीं इसको किस अंधे ने बोल दिया कि ये अच्छी है और खूबसूरत है और प्यारी है। अबे साली, ये जो अपने मुंह पे इतना मेकअप किया हुआ है, बालों पे जंग लगवाया हुआ है, ऐसा लगता है लोहे के पाइप है, 100 साल पुराने, जंग आ गया है उनपे। अच्छी लगो ना, प्यारी लगो ना, घंटा नहीं मिलते हम। अबे तुम जैसी आयरन मैन की छोटी बहन, स्त्री के मुंह वाली, तुम्हें मिलना भी कौन चाहेगा कि तुम मिल जाओ किसी को, उसके ऊपर तो बदुआ हो जाएगी अगर तुम उसको मिल जाओ। अच्छे मिलो ना, प्यारी लगो ना। अच्छे खासे बाल है तो क्यों हर संडे गंजे होके आ जाते हो? लंबे बाल अच्छे लगते हैं, अच्छा नहीं लगता, डिसेंट रहो, मिल जाएंगे हम। ये पता लगवाओ इसके पास हर संडे गंजा होके जा कौन रहा है? क्यों हर संडे गंजे होके आ जाते हो? अबे हर संडे कौन गंजा होता है? अबे एक मिनट, अबे वो जुम्मे का दिन होता है, जुमेरात को गंजे होते हैं। तुम्हें वहां के बाल भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, तब साफ सुथरी रहो ना, घंटा मिलेंगे हम गंदी गली से। बॉयज हो जाएंगे, मत करा करो बार बार ऐसे ऐसे, सिंगल रहना है मेरे को। अल्लाह का वास्ता इससे कोई लड़का सेट हो जाओ, अल्लाह का वास्ता है, इसको सिंगल रहना है, सिंगल रहना है मेरे को। याकताबाद की साली ऐश्वर्या राय, इसको सिंगल रहना है, सिंगल नहीं होता सिंगल होता है। लड़कियों की जॉनी सिंज बनी हुई है, तरसी हुई है, लड़के कहाँ है लड़के कहाँ है, सेट होना है सेट कर लो। अबे कैसे भाई, कैसे कर लेती हो ये? सिंगल रहना है मेरे को। सभी कर रहे हैं और करके खुश हैं तो लीगल कर देते हैं ना। बाप ने पढ़ाया लिखाया, बाप आज सोचता होगा कि उस रात में काश सो जाता। बाप ने पढ़ाया लिखाया, बेटी आके क्या बता रही है कि सबको मजा आ रहा है, तो लीगल कर देते हैं। चाह क्या रही है दुनिया से, ये चाह क्या रही है दुनिया से? अबे मूतना भी लीगल है, मूत दे तुम्हारे मुंह पे। डियर बॉयज, रेस्टोरेंट्स और कैफेज में अगर हम अच्छे लगा गए ना तो वेटर के हाथ नंबर भिजवा दिया करो, आसान हो जाता है। तुम ट्राई नहीं करोगे हम मिलेंगे नहीं, वो किसी चिलगोजे से सेट हो जाएगी, फिर तुम कहोगे कुत्ता केक खा रहा है, सच ट्राई करो, मिल जाएंगे हम, बुरे नहीं हो तुम। ऐसी लड़कियों को क्यों लगता है कि हम तैयार हो रहे हैं तो इनके लिए, हम कुछ खा रहे हैं तो इनके लिए, हम दाढ़ी बनवा रहे हैं इनके लिए, हम बाल कटवा रहे हैं इनके लिए, हम अगर अच्छे कपड़े पहन के निकल रहे तो इनके लिए। अबे मतलब तुम लोग दुनिया में नहीं होती तो हम क्या नंगे घूमते? हम लोगों की अकल नहीं है? इन लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट में कोई लड़का बैठा हुआ इनको इन्हीं को देख रहा है, मतलब अबे वो तुम्हें देख के अपना बुरा वक्त सोच रहा है कि मेरा बुरा वक्त भी ऐसा ही था। इन लोगों को लगता है कि नहीं, नंबर भिजवा दो। अबे सीरियस मत हो जाना इसकी बात को लेके, बावले भेड़ो ये तो है ही पागल, तुम लोग नहीं हो जाना। वो एक वेटर होगा जिसके हाथ नंबर भिजवाओगे, वो वापस साला नंबर लेके 10 लोग आ रहे होंगे और कूटेंगे तुम्हें कुत्ते की तरह, कुत्ता बना के मारेंगे। ये तो बावली भेड़ है, इसका क्या है? इसका बाप तो अभी तक सोच रहा है कि मैं सो जाता उस रात नहीं भिजवाता मैं नंबर रेस्टोरेंट में, तो ये भी नहीं आती। क्या कर दिया अंकल आपने, अजाब हम भुगत रहे हैं। लड़कों को ये लगता है कि तुम अच्छे से तैयार होके बहुत डिसेंट सा लुक लेके और स्लीव्स रोल करके और ब्लैक फॉर्मल्स पहन के और बाल अच्छे से सेट करके और परफ्यूम लगा के आओगे और हम लड़के इंप्रेस हो जाएंगे। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, पता है भावली भेड़, तुम हो जाओगी सेट, तुम अभी अपने घर के जमादार से सेट होगी। यार कराओगे, ये करोगे, वो करोगे, ये करोगे। अबे ये अपने खानदान में फुप्पो है, ये हर किसी को वाकियात भी ऐसी बताती होगी, वो आया फिर वो गया, फिर वो आया फिर वो गया, ये खिड़की में झांक झांक के बाहर देखती रहती है कि बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि इसको अपने घर के वाकियों से मजा नहीं आता, ये बाहर देखती है कि क्या मिले मुझे, क्या बताऊं मैं लोगों को, हो जाएंगे हम सेट हो जाए। अबे क्या है ये क्या अजाब छोड़ा है हमारे ऊपर, जब इसको डियर बॉय, ये क्या करना चाह रही हो बेटा? दवाई खाओ, टाइम पे खाओ और मुंह से खाओ, और कहीं से नहीं खानी दवाई। थैंक यू सो मच।